प्रणाम। सुख शाता में है सब तपस्वी, तप कर रहे हैं उनको देव गुरु की कृपा से शाता होगी, और लॉकडाउन पालने वालों को तो विशेष शाता पूछते हैं। पूरे विश्व में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार में आ गए हैं और 54,000 जितनी मौतें हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि अमेरिका में कोरोना से 1 लाख जितनी मौतें होती है ना, तो भी वो उसे उपलब्धि मानते हैं। हालांकि वहां तक अभी तक 6,100 जितनी मौतें हुई है। यूनाइटेड किंगडम ने भी कहा था 20,000 तक मौतें अगर रोक पाए तो हमारी जीत होगी। वहां पर भी 2,900 जितनी मौतें हुई है। वो अमेरिका जिसने लोगों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में से अर्थव्यवस्था को चुना। इटली, स्पेन, जर्मनी, विश्व के टॉप टेक्नोलॉजी से भरपूर देश ने भी अपने घुटने टेक दिए। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर का मनोबल इतना कमजोर हो गया कि आत्महत्या का मार्ग देश की सुरक्षा के सामने उन्होंने चुना। थाईलैंड के राजा उनकी रानियों के साथ जर्मनी की होटल में क्वारंटाइन के लिए भाग गए। आज यही सारे देश भारत को अपना आइडियल मान रहे हैं, और हम वो ही देश की प्रजा है ना जो अपने देश को इनके सामने बहुत छोटा समझते थे। आजकल मेजरली यंगस्टर्स को पढ़ने और कमाने फॉरेन ही जाना रहता है। उन सभी ने भी देख लिया ना विदेशियों का स्वार्थी भाव और अपने देश का परमार्थ भाव। यहाँ तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रशासकीय विभाग हो, वे जाति और पंथ को नहीं देख रहे हैं, पर हर एक जन में शिव का वास है ये मान रहे हैं, और इसीलिए क्रूरता नहीं पर करुणा बरसा रहे हैं। और इन सब के पीछे कोई आदर्श है तो वो है आर्य संस्कृति। धर्म, मंदिर, गुरु, ये सब के तप, जप और आशीर्वाद के प्रभाव टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा है, ये साबित हो चुका है। फिर भी उन नासमझ लोग जो बड़े ही गर्व के साथ पोस्ट शेयर कर रहे थे कि मंदिर और धर्म में पैसा खर्चा करने का क्या फायदा, उन लोगों को सबूत के साथ दिखाई दे रहा होगा कि मंदिर और धर्म स्थानों की वजह से ही आज भारत कोरोना के सामने जंग लड़ भी रहा है और देश के हर गरीब लोगों को 2 टक्का भोजन भी दे पा रहा है। धर्म के कारण संस्कार है और उसी के कारण मदद, करुणा और सहिष्णुता के भाव लोगों में जागृत है। थोड़ा चिंतन में आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ने आया कि यूरोपियन देश के सामने एशियाई देश को कोरोना से खतरा कम है। उसमें भारत को तो विशेष तौर से खतरा कम है क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है। जी हाँ, जैन प्रणाली की बात करें, विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है कि पानी में जीवे, जो बात हमारे परमात्मा ने तो कई सदियों पहले बताई थी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा ने हमेशा हमें उदाहरण दिया है कि परीक्षाओं को सहना चाहिए, शरीर को कष्ट देना चाहिए। थोड़ा सा सिर दर्द होने पर भी दवा नहीं लेते हैं, और ऊपर से तप करके शरीर के सामने चैलेंज देने वाले हमारे धर्म का ही परिणाम है, और वो आज विश्व ने भी मान लिया है। देर आए दुरुस्त आए, इसीलिए धर्म का ज्ञान होगा तो विवेक आएगा, आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, खुद के विकास के साथ परिवार का विकास होगा और इनडायरेक्टली समाज और देश का भी विकास होगा। आज भारत देश की 0.0002% जनता कोरोना के शिकार में फंस गई है, और सामने 99.998% की प्रार्थना और तब जब की शक्ति लगी है, कोरोना को भागना ही पड़ेगा। और ये बहुत विशेष दौर चल रहा है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और हमारे तप और शक्ति की सिर्फ देश को नहीं पूरे विश्व को जरूरत है। आपकी एक सामायिक, एक एम्बिल, रोज की एक नौकर वाली पूरे विश्व को शाता पहुंचाएगी। इस यज्ञ में पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ो, यही मंगल कामना करते हैं।